हेलो दोस्तों, एस एन होम फूड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम मेथी साग की सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों मेथी साग की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेथी साग को अच्छे से धो के साफ़ करने के बाद इस तरह 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। दोस्तों रेसिपी बनाने के लिए अब हम सबसे पहले एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम राई 1 छोटा चम्मच डाल देंगे, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 1 मीडियम साइज़ प्याज को रफली कट करके डाल देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने के लिए भून लेंगे। प्याज हमारा भून गया है तो अब हम यहीं पर 4 से 5 लहसुन की कलियां चॉप करके डाल देंगे और फिर से भून लेंगे। दोस्तों अब हम यहीं पर भीगी हुई मूंग दाल 1/3 कप डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों दाल हमारा फ्राई हो गया है तो यहीं पर हम आलू जो काट के रखे थे वो डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच डाल देंगे। सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर लेंगे और दाल को अच्छे से बॉईल होने तक लो टू मीडियम फ्लेम में ढक्कन लगाकर कुक कर लेंगे। दोस्तों हमारा दाल और सब्जी अच्छे से बॉईल हो गया है तो अब हम यहीं पर मेथी साग जो साफ करके रखा था वो ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 टमाटर को रफली कट करके ऐड कर लेंगे इसमें और ढक्कन लगाकर एक बार फिर से कुक होने देंगे। दोस्तों अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को 1 लाइक कीजिए क्योंकि आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी मेथी साग की सब्जी बन के रेडी हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। दोस्तों मेथी साग की ये सब्जी रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप ये रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।